नमस्कार, वेब दुनिया के ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे राहु केतु और शनि के बुरे प्रभाव और उनसे बचने के उपाय। कुंडली के प्रत्येक भाव या खाने के अनुसार राहु केतु और शनि के शुभ अशुभ प्रभाव को लाल किताब में विस्तृत रूप से समझाया गया है। साथ ही इन प्रभाव से बचने पर विस्तृत चर्चा भी की गई है। लाल किताब में राहु को हाथी, केतु को कुत्ता तो शनि को भैंसे की उपाधि दी गई है। जब इनका बुरा प्रभाव शुरू होता है तो एक ओर जहां सेहत बिगड़ने लगती है, वहीं दूसरी ओर ग्रह कलह होने लगता है। आओ जानते हैं राहु केतु और शनि के बुरे प्रभाव और उनसे बचने के उपाय। लाल किताब के विशेषज्ञों अनुसार राहु केतु उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की छाया है। इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है, जबकि शनि एक पूर्ण ग्रह है। यदि राहु केतु और शनि के उपाय कर लिए जाए तो सभी ग्रहों के बुरे प्रभाव को शांत किया जा सकता है। राहु केतु के रोग। शरीर में मल त्याग का स्थान राहु है। गुदाद्वार और पेट संबंधी लगभग सभी रोग राहु के कारण होते हैं, जैसे गैस, कब्ज, पेचिस या बवासीर जैसी आदि रोग। इसके अलावा दिमाग की खराबी का कारण भी राहु होता है। सिर के बाल और शरीर की नसें केतु हैं। सिर के बाल झड़ना, कानों का खराब होना, नसों का कमजोर होना केतु के खराब होने की निशानी है। शरीर की हड्डियों पर शनि का प्रभाव रहता है। जिगर की खराबी और रक्त संबंधी रोग भी शनि के कारण होते हैं। शनि के बुरे प्रभाव के कारण रीढ़ की हड्डी में दर्द बना रहता है। अब हम जानेंगे इन सब से बचने के उपाय। राहु के अच्छे प्रभाव के लिए खान पान बदलें और भोजन कक्ष में ही करें। परिवार और ससुराल से अच्छे संबंध रखें। सिर पर चोटी रखें, माथे पर तिलक लगाएं और प्रतिदिन गाय को रोटी जरूर खिलाएं। केतु के अच्छे प्रभाव के लिए दोरंगी कुत्ते को रोटी खिलाएं। कान छिदवाएं, संतान से अच्छे संबंध रखें और लोगों से बोलते वक्त ध्यान जरूर रखें कि क्या बोल रहे हैं। आपके शुभ वचनों से अच्छा माहौल बनेगा। शनि के अच्छे प्रभाव के लिए किसी भी प्रकार का नशा न करें। दांत, नाखून और सिर के बाल हमेशा साफ रखें। कौवे को प्रतिदिन रोटी खिलाएं, छायादान करें। शरीर स्वच्छ होगा तो मस्तिष्क में सकारात्मक विचार आएंगे और सकारात्मक विचार आने से भविष्य बदलेगा। प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें। इसी तरह के अचूक उपायों के लिए देखते रहिए वेब दुनिया ज्योतिष चैनल।